नमस्कार दोस्तों, चुनावी राज्य राजस्थान पर एक बार फिर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जयपुर से जुड़ रहे हैं विनोद पाठक जी। विनोद जी, स्वागत है आपका। और चर्चा अक्सर पिछले कुछ वीडियोस में हमारी जो चर्चा हुई थी, वो एक बार हमने जाट महाकुंभ के बारे में भी चर्चा की और अशोक गहलोत के बजट, इन सब चीजों पर तो चर्चा हो ही रही है। अशोक गहलोत ने तो झड़ी लगाई हुई है, कल भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, लेकिन उन सब चीजों को हम चुनावी घोषणाएं हैं उन सबको अलग रख के आज थोड़ा सा एक अलग मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी की दृष्टि से, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि बीजेपी इस बार वापस लौट रही है राजस्थान में सत्ता में। और सबसे बड़ा इश्यू बीजेपी में तुरंत यही आ जाता है कि अगर सत्ता में लौट रही है तो कमान किसके हाथ में रहेगी। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़, पता नहीं अनगिनत नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक नाम उभरा है अश्विनी वैष्णव का, जो मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले हैं और केंद्र में रेल मंत्री हैं, आप सब जानते ही हैं, आईटी का डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। अश्विनी वैष्णव रविवार को जयपुर में थे एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और विनोद जी, वहीं से शुरू करते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी है क्या? देखिए, ये सबसे पहले यहाँ हुआ था। क्षत्रिय महासभा का एक प्रोग्राम हुआ था, राजपूतों ने अपनी ताकत दिखाई। फिर आपको पता ही, जाट महाकुंभ हुआ जिसमें जाटों ने अपनी ताकत दिखाई। और अभी 2 3 दिन पहले ही, जो 19 तारीख को ब्राह्मण महापंचायत हुई, तो ब्राह्मण महापंचायत में फिर जो वैसे तो सभी पार्टियों के नेता नहीं दिखे प्रोमिनेंट रूप से, वहां बीजेपी और थोड़े बहुत कांग्रेस के नेता ज्यादा दिखे। और उसी महापंचायत में अश्विनी वैष्णव को भी बुलाया गया था। और खाली अश्विनी वैष्णव नहीं थे, मतलब इवन सतीश पुनिया, किरोड़ी लाल मीणा जो है, उनकी पत्नी गोलमा देवी, चूंकि वो खुद बीमार हैं और तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो वो नहीं आ पाए थे। ऐसे अलग अलग कास्ट समीकरण बिछा बनाते हुए काफी सारे और भी नेता थे जो दूसरी कास्ट के थे। तो अश्विनी वैष्णव जो है, उनको मेन रूप से था कि उस दिन भगवान परशुराम की एक टिकट का भी अनावरण होना था, तो वो उसी कार्यक्रम के लिए आए थे। पर उन्होंने जो जोशीला भाषण दिया और भगवान परशुराम के नारे लगाए, तो मतलब ऐसा लग रहा था वो कि टेक्नोक्रेट ना हो के एक मजे मजाए नेता है। और उन्होंने कहा कि आप मुझे सर मत कहिए, आप मैं आपका भाई हूँ और राजस्थान के लिए मैंने रेलवे के लिए ये कर दिया है, और ब्राह्मणों के लिए उन्होंने काफी कुछ कहा। तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो अपने आप को कुछ लॉन्च करना चाह रहे हो इस ब्राह्मण महापंचायत के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है यहाँ लोगों को कि अश्विनी वैष्णव जो है, उनकी जाति को लेके बड़ा एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, बैरागी जो जिस जाति से वो आते हैं वो ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण है। पर कुछ लोग कहते हैं कि वो जाति जिस जाति के हैं वो ओबीसी में आती है। अच्छा। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है। हाँ, स्थिति इस है क्या स्थिति वास्तव में? वास्तव में स्थिति मैंने भी थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की, तो देखिए कहीं स्पष्ट नहीं है। पर जो यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो अक्सर वीडियो में ये बात कह चुके हैं, और जिनकी जिनका रिसर्च अच्छा होता है, जिनके बड़े चैनल चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि साहब ये ओबीसी से आते हैं। मतलब ये अब इसमें अब लोगों में थोड़ा सा ये हो गया, भाई ओबीसी वाले भी ये शामिल कर लें इन्हें अपने अपने आप में, और ब्राह्मण भी शामिल कर लें। तो ये बात पिछले कुछ दिनों से, जब से इनको रेलवे मिला है और जोधपुर में इनको, जैसे एक और चीज है कि आईआईटी से पढ़े हुए ये बार बार कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने एक नॉर्मल एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जोधपुर का, उससे इन्होंने बीटेक किया था, और फिर एमटेक इन्होंने किया आईआईटी कानपुर से। तो जोधपुर ये में आप, आईआईटी अभी हाल ही में बनी है? जोधपुर में तो आईआईटी पहले थी भी नहीं। हाँ, जोधपुर में आईआईटी भी हाल में बनी है, और एमटेक करने के बाद इनका था 27th रैंक था यूपीएससी में, आईएएस में रैंक था, वाजपेयी जी के साथ काम किया। तो जिस तरीके से इस बजट में इस बार रेलवे को 9,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च करने का, यहाँ काफी सारे स्टेशनों का रेनोवेट हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं रेलवे के, एक मालवाहक उनके ट्रेनों के लिए यहाँ पे काफी कुछ बड़े बड़े फ्रेट स्टेशन बन, फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है। कॉरिडोर बन रहे हैं। तो पूरा अब उसमें भी उन्होंने ब्राह्मण महापंचायत में कहा कि साहब देखिए, राजस्थान को मैं ये दे रहा हूँ, ये स्टेशन बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ,
तो बड़ा मतलब ब्राह्मण महापंचायत में सारा फोकस जो था सोशल मीडिया से लेके मीडिया का, वो सब अश्विनी वैष्णव पे केंद्रित हो गया उस दिन। जब मैं आपको रोकना चाहूंगा विनोद जी, हाँ मुझे ये बताइए, ब्राह्मण महापंचायत थी क्या, इससे जुड़े हुए लोग कौन थे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये संगठन है क्या, है ये हुआ, इसकी योजना कैसे बनी, कब से बनी? ये एक विप्र सेना करके संगठन है। विप्र मतलब ब्राह्मणों को विप्र भी कहा जाता है, तो उनका संगठन है। उसने ये काफी दिनों से उनका प्लान था कि भाई प्रस्तावित थी पहले से ही 19 तारीख को ये होगी। तो इसमें देखिए, चूंकि एक प्रोमिनेंट जाति रही है आजादी के बाद से, काफी सत्ता में भी रहे हैं ब्राह्मण नेता। इवन राजस्थान में भी 4-5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह चुके हैं, भले वो आपका हरिदेव जोशी हो, नारायण व्यास हो। तो मतलब एक बड़ा वर्ग तो है, मतलब एक मोटा मोटा अनुमान तो नहीं पता है कि कितना ही परसेंटेज है, क्योंकि सब लोग अलग अलग कयास लगाते हैं। पर ब्राह्मण जो ये विप्र सेना, इनका दावा है कि साहब हम 80-85 लाख जो है हमारी पॉपुलेशन है, जो 7.5 करोड़ लोगों में। तो इसलिए हम, हाँ इसलिए हमें जो है उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो इसी, कोई क्लियर एजेंडा तो इनका भी नहीं था। इनका था कि सर EWS में आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, वो तो उसी दिन बात उठी। जी तो कोई एक क्लियर एजेंडा किसी को भी नहीं पता कि क्या था, बस ये था कि सब शक्ति प्रदर्शन करना है। मुझे ऐसा लगा शक्ति प्रदर्शन करना है। और आप जानते हैं कि एक सभी जगह जो है ब्राह्मणों की संख्या जो है, भले आप वो मीडिया हाउसेज हो या कहीं भी हो, मैं उस दिन सारे पत्रकार जो थे वो ब्राह्मण पत्रकार हो गए थे। तो उन्होंने खूब लंबी लंबी चौड़ा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी खबरें जो है अखबारों में खूब छपी, भीड़ दिखाई गई, हेलीकॉप्टर से कुछ पुष्प वर्षा हुई। तो अच्छा, मतलब इसे अच्छी क्लियर खासी एजेंडा तो कवरेज कुछ, मिली मीडिया में, बढ़िया कवरेज हुई है। हाँ मीडिया में अच्छी खासी कवरेज मिली। और ये भी आरोप लगे कि साहब पिछली जो दो महापंचायत या महाकुंभ हुए तो उनको उतना नहीं दिया गया अच्छा, इसमें मीडिया में इसमें जो 22 ब्राह्मण दिन लोग ही मीडिया है, ने, मीडिया की जो ब्राह्मण हाँ लोग ही है, वो ज्यादा इसको हाँ वारने उन्होंने में लगी हुई है। इसको काफी कवरेज दिया। पर जो ड्रोन से फोटो दिखाए गए या जो भीड़ थी, वो लगा कि हाँ वाकई मतलब दावे तो 7-7 लाख के हुए, पर मेरे हिसाब से 1-2 लाख तो आदमी रहे होंगे। अच्छा, तो इसमें जो लोगों की स्पीचेस हुई, अश्विनी वैष्णव पे भी आएंगे, जो लोग वहां थी, स्पीच थी, या जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग थे, विप्र समाज के लोग थे, उनमें से कुछ वो मंच से कह क्या रहे थे, वो मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही थी इसमें? देखिए, एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं जो बीजेपी के अभी राज्यसभा सदस्य भी हैं, घनश्याम तिवाड़ी। तो हाँ, यहाँ क्या है, तिवारी को तिवाड़ी बोलने का कल्चर है, तिवारी नहीं बोलते, तिवाड़ी रा को बोलते हैं। अड़ा हाँ, बोलते हैं। तो यहाँ घनश्याम तिवाड़ी जो है वो बड़े प्रोमिनेंट ब्राह्मण लीडर कह सकते हैं। और बीच में वो बीजेपी छोड़ के ना जाते तो हो सकता है इस वक्त वो फेस होते, बड़ा फेस होते बीजेपी का। तो उन्होंने जो मांग रखी, उन्होंने कहा कि साहब EWS में एक तो आरक्षण जो है वो बढ़ाया जाए, दूसरा उन्होंने कहा कि ये जैसे आपने वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, ऐसे कि हिंदू रिलीजियस बोर्ड बनना चाहिए। और जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर सरकार के कब्जे में है, अधिकांश बड़े मंदिर जो हैं, तो वो हिंदुओं को वापस मिलने चाहिए, वो वो सभी हिंदू हिंदुओं के, कल्चर वो है। तो सभी हिंदुओं के बारे में ही एक हाँ था। तभी से उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ब्राह्मणों, उन्होंने कहा हिंदुओं को वापस मिलने चाहिए, ये इनकी प्रमुख रो। दूसरा जो एक मांग थी, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं और यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं जयपुर की ही एक सीट से, पुष्पेंद्र भारद्वाज, उन्होंने कहा कि सब ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि अच्छा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 85 लाख है, और हमें हमें भी एक प्रतिनिधित्व चाहिए और हमारी भी लीडरशिप होनी चाहिए। और उन्होंने एक और मांग रख दी बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों से कि साहब आप 30-30 उम्मीदवार ब्राह्मण उतारे, और अभी जो विधानसभा है उसमें मात्र 200 में से 18 ही ब्राह्मण विधायक हैं। अच्छा, तो उन्होंने, हाँ उन्होंने ये भी मांग रख दी कि आप जो है ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाइए, और ताकि हमारा जो परसेंटेज है उस हिसाब से हमें सीटें मिल सकें। तो इसमें वैसे राजस्थान में ब्राह्मणों की अगर बात करें, तो किन क्षेत्रों में ब्राह्मण वहां पे ज्यादा हैं? ऐसा कोई क्षेत्र तो आइडेंटिफाई नहीं है, जैसे जाटों के लिए आप कहेंगे पश्चिम में ज्यादा है, या गुर्जर जो है पूरब की कुछ बेल्ट में ज्यादा है, ये थोड़ा बिखरे हुए उत्तर हैं। प्रदेश की और तरह ही है कि हर हर विधानसभा सीट में 10-12 हज़ार, हाँ, हर 15 हज़ार जगह है। हाँ कुछ ऐसी ऐसी कोई आप सीट, ना भाई यहाँ ब्राह्मणों की सीट है।
इवन ऐसी आप राजपूतों की भी कोई सीट नहीं कह सकते हैं कि प्योर राजपूतों की सीट है। तो ये वाली स्थिति नहीं है कि, पर यह कि कुछ 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 संख्या सभी जगह जो है, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो ठीक है, राजसमंद की तरफ ठीक है, मेवाड़ में ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे है, पर थोड़ा 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 संख्या जो है शहरों में तो है ही, और गांव में आप जानते हैं कि किसी भी गांव में कितना, दो चार परिवार से ज्यादा ब्राह्मणों के होते नहीं है। हाँ सही बात है। तो हाँ, तो शहरों में थोड़ा संख्या ठीक है। इसमें जो मेन मेन है वो तो आपने बता दिया कि सब लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी, बात भी हुई, ये चीफ मिनिस्टर वाली बात कही कि कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बने, मैसेज यही दिया गया। बिल्कुल तो इस पे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, जो लोग मंच पर थे या इस कार्यक्रम में शामिल थे उनकी तो प्रतिक्रिया थी, जो बाहर हैं जो इसमें नहीं थे उन लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की सी थी? देखिए, इस पे जो है कोई प्रतिक्रिया, मतलब किसी ने खुल के, मतलब खुल के क्या, दबके भी नहीं बोला है, मतलब किसी ने कोई ऐसी मुख्यमंत्री वाले पद को लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है यहाँ पे। इवन जाटों वाले में भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया बाहर से नहीं आई थी कि भाई इन्होंने मांग रखी तो क्यों मांग रखी, क्यों बनना चाहिए क्यों नहीं बनना चाहिए, ऐसा कोई डिबेट। पॉलिटिकल लोग तो ऐसे मुद्दों पे प्रतिक्रिया देंगे नहीं, वो तो हाँ सेफ हाँ रखते हैं अपने आप को। तो आप जनता से भी बात करेंगे तो उनके लिए ये पंचायतें हो रही है, महापंचायतें हो रही है, तो जिस जाति विशेष की हो रही है बस उसी में थोड़ी चर्चा होती है, और वो जो मांग वहां रखी जाती है वो कहते हैं होना चाहिए होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई आप देखोगे तो यूपी बिहार की तरह यहाँ बहुत चर्चा वाला प्रदेश नहीं है कि जनता जो है चौराहों पे खड़े होकर बात कर रही है, या उस तरीके से पॉलिटिकल डिबेट्स यहाँ मैंने देखी नहीं है कभी होते हुए। तो यहाँ जब चुनाव आता है तो अपने आप ही एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और वैसे पूरा न्यूट्रल पड़े रहते हैं 4-5 साल जो है। तो ऐसा, हाँ ऐसा कोई विशेष यहाँ अभी भी आप अगर छांटने बैठेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, तो आप मुझे लगता है 10 खबरों की लिस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप ये वसुंधरा राजे जो है वो 4 तारीख के बाद मौन है। सचिन पायलट अभी एक न्यूज चैनल की चौपाल में चले गए, उसके बाद मौन है, कभी बोल देते हैं कभी चुप हो जाते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो दोनों प्रोमिनेंट एक फिगर है राजस्थान की राजनीति के इस वक्त। सचिन पायलट तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने परमानेंट चुप करा दिए, वो तो फिक्स हो गए, वो तो जैसे कहते हैं ना कि बर्फ में लगा दिया उनको तो। हाँ अच्छा, अब अश्विनी वैष्णव पे एक बार फिर लौटते हैं। चलिए, एक तो ये मुद्दा रहा कि अश्विनी वैष्णव ब्राह्मण है या नहीं, ये भी एक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली के मीडिया में, यहाँ इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने इस पर स्टोरी छापी कि ब्राह्मण महापंचायत हुई है और उसमें अश्विनी वैष्णव को इस तरीके से दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो इसमें अब क्या आपको लग रहा है, क्या इसमें संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? अश्विनी वैष्णव क्या वहां की राजनीति में एक्टिव होंगे, या आपको लग रहा है कि उन्हें एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है? अब चूंकि ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है स्पेशली, उसमें अश्विनी वैष्णव बुलाए जा रहे हैं, किसी और को भी बुलाया जा सकता था, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे एक चीज नजर आ रही हो। देखिए, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है कि कोई एक चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो इससे क्या हो गया, बहुत सारे गुटों को जो है ना अवसर मिल गया, मतलब सब अपनी संभावनाएं तलाशने लगे, और उस संभावनाओं में एक संभावना इनकी भी उभर रही, क्योंकि कुछ ऐसे जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से या कुछ एक्टिविटीज इनकी जो पिछले दिनों बड़ी हैं, कुछ मीडिया से मिले हैं पिछले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर, ये काफी, और कुछ प्रोग्राम्स में गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके इन्होंने अपनी बात रखी है, तो उससे लगा कि यार इनको भी कोई पुश करने की पार्टी की तरफ से कोई कोशिश हो रही है, तो ये एक चर्चा में तो आया। पॉलिटिकल आदमी तो है हाँ नहीं, पॉलिटिकल तो है हाँ नहीं कोई, ये पॉलिटिकल नहीं, खुद पर खुद इनको जाएंगे या इस तरह के पॉलिटिकल कार्यक्रमों से एक्टिविटी, जुड़ेंगे? ये तो अगर हाँ उनको से कोई पॉलिटिकल इशारा नहीं एक्टिविटी, होगा तो ये नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में तो शामिल हो रहे हैं पिछले दिनों से, पर अभी बीजेपी वाले भी बहुत श्योर नहीं है, क्योंकि ये भाई प्रोफेशन नेता तो है नहीं, तो अभी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, पर यह है कि मीडिया में चर्चा है, विश्लेषक जो है उनमें चर्चा है इनके नाम को लेके, और एक बात पिछले दिनों एक बड़ी फिगर ने कही थी कि साहब ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि बीजेपी जो है ओबीसी नेता को राजस्थान की बागडोर सौंपेगी, ये अभी 2-3 महीने पहले किसी ने बोला था, और सार्वजनिक मंच पे बोला था, मतलब टीवी पे बोला था, तो उससे, और उन्होंने बकायदा अश्विनी वैष्णव का नाम लिया था कि वो भी ओबीसी हैं, तो उससे
सा हवा मिली कि भाई हो सकता है कि ओबीसी चेहरा है और इनको आगे बढ़ाने के लिए, पर अभी कंफ्यूजन की स्थिति ब्राह्मण ओबीसी में घूम गई है इनकी। सही बात, वो उस वजह से भी हुआ है क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मेलन था और उसमें आ गए हैं, तो उस वजह से भी हाँ चीजों को बढ़ावा मिला है। और दूसरे जो राजस्थान है उसकी एक जो कहना चाहिए कि बीजेपी के एजेंडे में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी हो जाती है कि दिल्ली और गुजरात के बीच में एक स्टेट पड़ता है और गुजरात से सीमाएं मिली हुई हैं और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। अगर दिल्ली से ट्रेन चलेगी तो राजस्थान से निकल गई गुजरात और उस तरफ जाएगी, ये भी एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुलेट ट्रेन का रूट भी आगे इसी पर आ जाता है। वो सब जो हाँ जितनी जिसे कहते हैं ना कि जो रोड है बीजेपी की, वो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड हो चाहे वो पॉलिटिकल रोड हो, राजस्थान उसमें हाँ कहीं ना कहीं घूम के जरूर आ जाता है। और बिल्कुल फिर इनका बिल्कुल कनेक्शन राजस्थान से भी है, जयपुर से भी है और वो जोधपुर से भी गुजरात है और से उसके अलावा भी गुजरात से भी है, वहां बिजनेस भी है। बताया जाता है कि इनका है। फिर हाँ उसके दो बाद दो कंपनी है इनकी। हाँ महाराष्ट्र आगे आ जाता है, वो भी बीजेपी के एजेंडे पर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हाँ अश्विनी वैष्णव के बारे में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऊपर से इशारा किया गया है, वरना वो इस तरह के आदमी नहीं है, इस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है कि वो जाति विशेष के सम्मेलनों में भाग लें या फिर इस तरह के प्रोग्राम में जाके वहां पे पगड़ी पहने और जैसे आपने कहा कि परशुराम जी के नारे लगाएं, वो उस तरह के व्यक्ति हाँ है ही नहीं। तो कुछ ना कुछ अच्छा, तो इसमें एक एक कमाल की बात और ये है कि जो ब्राह्मण महापंचायत हुई उसमें वो पंचायत तो पीछे रह गई, उसमें जो नेताओं ने बोला वो कौन नेता थे वो भी पीछे रह गया। सोशल मीडिया का पूरा फोकस अश्विनी वैष्णव पे आ गया और एक जो जिसे कहेंगे ना लिबरल गैंग सोशल मीडिया पे, वो अश्विनी वैष्णव के पीछे पड़ गया। मतलब आप 2-3 दिन अगर पीछे देखेंगे जाके महापंचायत के दिन से लेकर, और 2-3 दिन लगातार उन्होंने ट्रॉल किया अश्विनी वैष्णव को, बहुत तगड़ा निशाना साधा है और बोला ये कैसा मंत्री है जो जाके जातीय सम्मेलन में नारे लगाएगा और भागीदारी करेगा, ये इसको मंत्री पद से हटा दिया जाए, यहां तक लिखा है लोगों ने सोशल मीडिया पे। इसमें गलत तो क्या है, वो हाँ, इसमें तो और बे जब बजे की बात जब ऐसे आदमी फोकस में आ जाते हैं तो आपको पता राजनीति में उसके नंबर चढ़ते हैं गिरते नहीं है। है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। आप जितनी जितना आपके बारे में चर्चा हो रही है, जितने लोग पीछे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल चलिए विनोद जी, देखते हैं अश्विनी वैष्णव का ये नया जो चला है अध्याय, ये कहाँ खत्म होता है कहाँ बढ़ता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अश्विनी वैष्णव का जो नाम चला है या जो कार्यक्रम में वो गए हैं, निश्चित रूप से इसमें पार्टी हाईकमान की तरफ से तो इशारा होगा ही, क्योंकि इसमें एक चीज और भी है। आप अगर ये संकेत कोई भी स्पष्ट दे देते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप अपने आप से अलग कर देते हैं। आप ना तो जाटों बिल्कुल को पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, ना आप गुजरों को दे रहे हैं, ना आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं, बिल्कुल ना आप ओबीसी को दे रहे हैं। तो सबको अगर कंफ्यूजन की स्थिति में रखा जाए तो, और लोगों के मन हाँ में ये रहे कि यार हमारा अगर नंबर लगा तो हमारी तरफ से ये बन सकता है, हम अगर वोट देने तो गुजरों में ये बन सकता है या जाट बन सकता है या वसुंधरा बन सकती है, तो सभी को एक साथ जोड़े रखने की भी ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए नजर बनाए रखिए और इसी तरह की जानकारी बिल्कुल लाते रहिए, फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।